हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूकेजी क्लास के जीके के टॉपिक के बारे में, जो कि है डिफरेंट मूड्स, माय डिफरेंट मूड्स। अब देखिए, बच्चा अलग अलग टाइम पे अलग अलग फीलिंग करता है, अलग अलग चीजें फील करता है। कई बार वो बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत बार वो बहुत ज्यादा उदास होता है, बहुत बार डरा हुआ होता है, बहुत बार चिड़चिड़ा होता है। तो ऑब्वियसली हमें उसको डिफरेंट मूड्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ड्रॉ एंड टेल, दिस इज हाउ आई लुक। अब देखिए, अलग अलग सिचुएशन में बच्चा अलग अलग रिएक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब पार्टी होती है, बर्थडे होता है, या फिर कोई अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देता है, तो बच्चे क्या करते हैं, खुश होते हैं। तो इसी तरीके से आप बच्चों को ये एक्टिविटी करा सकते हैं कि आपको क्या करना है, एक गर्ल ड्रॉ करना है, एक बॉय ड्रॉ करना है, और उनके फेसेस को ब्लैंक छोड़ देना है, उनके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लगाने। बच्चा गर्ल है तो यहाँ पे ड्रॉ करेगी, और बच्चा बॉय है तो यहाँ पे ड्रॉ करेगा। ये एक बर्थडे पार्टी है, तो इस सिचुएशन में आप आई एम एट अ फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, यानी मेरा जो फ्रेंड है या मेरे फ्रेंड के बर्थडे की पार्टी में मैं यहाँ हूँ, तो मैं खुश हूँ या उदास हूँ या फिर डरा हुआ हूँ या चिड़चिड़ा हूँ। तो अगर आप लड़के हैं लड़की हैं तो ऑब्वियसली आप क्या होंगे, हैप्पी होंगे। समवन स्पॉइल माय ड्राइंग बुक, यहाँ पे क्या हुआ, किसी ने मेरी ड्राइंग बुक स्पॉइल कर दी। यानी बहुत बार बच्चों में लड़ाई हो जाती है, दो बच्चे जब खेलते हैं तो क्या होता है, सैड, यहाँ पे आएगा सैड। आई फॉल डाउन यानी मैं गिर गया, तो गिरने पे बच्चे ज्यादातर रोते हैं और चोट भी लग जाती है, ज्यादातर बच्चे डरे हुए भी होते हैं। तो आप थर्ड बनाएंगे स्केयर्ड। चलिए, तो इसी तरीके से आप बच्चों को अलग अलग मूड्स बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी करा सकते हैं, जैसे कि आप बच्चों को फोर चीजें करने के लिए बोल सकते हैं, हैप्पी, सैड, स्केयर्ड एंड क्रैंकी यानी चिड़चिड़ा। तो या तो आप उसके एक्सप्रेशन दीजिए, आप एक्सप्रेशन दीजिए कि तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि छोटे बच्चे इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आप खुश होने का एक्सप्रेशन दीजिए, सैड होने का एक्सप्रेशन दीजिए, डरे हुए होने का एक्सप्रेशन दीजिए, चिड़चिड़े होने का एक्सप्रेशन दीजिए, और उस टाइम आप बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं, खेल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मैं हैप्पी हूं या सैड हूं। ऑप्शन जरूर दीजिएगा, आप सीधा ये मत बोलिएगा कि मुझे जल्दी बताओ मेरा कौन सा मूड है। नो, आप ऑप्शन देंगे बच्चों के लिए इजी होगा, और नेक्स्ट टाइम से बेशक ऑप्शन मत दीजिए, लेकिन पहली बार जरूर बच्चों को ऑप्शन दिया कीजिए दो चीजों में चूज करने का, ताकि वो सही को चूज करने का डिफरेंस जान सके। अगर आप रैंडमली ही बोल देंगे कि नहीं बताओ कि मेरा कौन सा मूड है, तो उसके दिमाग में हजार चीजें चल रही होती है, उस टाइम पे वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आप दो वर्ड बोल सकते हैं, मैं हैप्पी हूं या सैड, उस टाइम पे बच्चों को ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा बर्डन नहीं लेते, ये नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड नीचे जो रेड बटन दिया उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।